तो हेलो सलाम नमस्ते कैम छो। और इस वक्त मैं हूँ दीव के बस स्टैंड पर। पीछे आप देखोगे ये सारा दीव का बस स्टैंड है और सरकारी और प्राइवेट सारी बसें यहीं से जाती है और यहीं पर आती है। तो बस स्टैंड पर ही आपको एक्टिवा वगैरह या फोर व्हीलर टू व्हीलर जो भी चाहिए रेंट पर मिल जाता है। आप देखो ये सारे पीछे आपको दिखेंगे। क्या रेट वगैरह है टैक्सी का आपका? टैक्सी में आपको ड्राइवर के साथ में एक दिन का 2000 रुपये रेट रहता है सुबह से शाम तक का। अच्छा, फोर व्हीलर का? फोर व्हीलर का। और टू व्हीलर का? टू व्हीलर का रेट से रहता है 400 और सैटरडे संडे 500 रहता है। डिपॉजिट वगैरह कुछ देना पड़ता है? हाँ, एक गाड़ी का 1500 रुपये डिपॉजिट रहता है। अच्छा, उसमें आपको जब भी गाड़ी जमा करोगे रिफंड आपको पैसा मिल जाएगा। तो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और चलते हैं फिर दीव को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी आ गया हूँ मैं दीव के फोर्ट में। पीछे देखो आप, ये एंट्री है यहाँ की। तो ये देखो आप, यहाँ पर दो तोपे रखी हुई है। तोपों की नली है, तोपे तो नहीं है, ये बड़ी सी है एकदम और वो थोड़ी छोटी वाली है। ये है पानी कोठार, ये जो है वो पहले जेल थी और इसके लिए यहाँ से जाना पड़ता है आगे बोट में बैठकर। ये जो जगह है वो नीचे का भाग है किले का और अभी ऊपर की तरफ चलते हैं उस तरफ। कुछ कुछ दमन जैसा ही है। दमन और दीव एक यूनियन टेरिटरी है लेकिन दमन और दीव में काफ़ी दूरी है। लगभग दमन से दीव जाने में 600 से 700 किलोमीटर आपको बाय रोड जाना पड़ता है। देखो लंबी सी तोप पड़ी है। इससे पहले मैंने आपको वहाँ से दिखाया था नीचे से और ये पूरा व्यू है ऊपर से। वहाँ से मैं आया हूँ और यहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। तो ये देखो, ये उसी तरह से जो मैंने अभी आपको दिखाया था तोपे रखी हुई है सारी और ये लाइट हाउस है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि दीव जो है वो अहमदाबाद से लगभग 365 किलोमीटर दूर पड़ता है, सूरत से लगभग 575 किलोमीटर पड़ता है और मुंबई से 825 से 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो ये डिस्टेंस है इन मेन मेट्रो सिटी से। हम वहाँ से आए थे और वहाँ से बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक पहुँचे। ये देखो लंबी सी बड़ी सी तोप है और यहाँ से नीचे दिख रहा है, वहाँ पर थे हम अभी और वहाँ से भी पूरा समुद्र दिखता है और यहाँ से भी दिखता है पूरा। ये देखो आप, ये सारी अलग टाइप की तोपें नीचे रखी हुई है।
तो ये समुद्र का किनारा यहाँ से एकदम बढ़िया अच्छे से दिखेगा आपको। तो देखो पीछे समुद्र है, दोपहर का समय है तो धूप ज्यादा है तो इस समय लोग कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मिले मुझे अपने गुजराती। केम छो? मजामा। क्या थी तुम्हें? वलसाड तीथल। अच्छा वलसाड तीथल, दरिया किनारे थी। तो ये वलसाड तीथल से तीथल का व्लॉग मैंने बनाया हुआ, आप देख लेना। हाँ। काफी अच्छी जगह है। तो आप सब लोग साथ में हो? फैमिली, फैमिली। अच्छा। एक मोनूमेंट बना हुआ है पास में, तोप रखी हुई है। ये लाइट हाउस है, एक टॉवर है, यहाँ पर आना बाकी था तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। बाकी चारों तरफ का नज़ारा आप देखो, ये सबसे ऊंची जगह है इस फोर्ट की। ये भी तोप देखो बड़ी सी है एकदम। दीव का ये जो फोर्ट है इसमें घूमने का कोई टिकट नहीं है फिलहाल, फ्री एंट्री है, आप अच्छे से आराम से अंदर घूम सकते हो बिना पैसा दिए। तो अभी नीचे आ गए हैं और ये वो जगह है जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, वो पानी कोठार है। अभी इसको बंद कर दिया है, वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। तो अभी मैं आ गया हूँ सेंट पॉल चर्च पर, आप देखो पीछे बोर्ड लगा हुआ है और ये है वो चर्च, बड़ा सा फेमस चर्च। तो चलते हैं इसके अंदर। ये स्मारक बना हुआ है छोटा सा एंट्री पर, और ये छोटा सा गार्डन है और ये बड़ा सा चर्च है। काफ़ी ऊंचा और काफ़ी बड़ा है, पीछे तक है, बहुत लंबा चौड़ा है। ये जो चर्च है वो फोर्ट से लगभग 500 मीटर के आसपास ही है, ज़्यादा नहीं है। तो आप घूमते घूमते भी आ सकते हो और व्हीकल हो तो सिर्फ 5 मिनट का काम है। इस जगह को बोलते हैं जलंधर बीच। आप देखो पूरा बीच है ये आगे, वहाँ पर ऊपर जाना है, वहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखता है। तो अभी थोड़ी देर में वहाँ चलते हैं। वहाँ पर हम बैठे थे पीछे और वहाँ से अभी मैं ऊपर आया हूँ। यहाँ पे नीचे पानी अच्छा सा दिख रहा है मस्त, और सामने मंदिर है। यहाँ पे अगर आपको चिल करना हो, रिलैक्स करना हो तो बेस्ट जगह है, लेस क्राउडेड जगह अगर आपको चाहिए दीव में तो ये जगह है। यहाँ पर आप आके बैठ जाओ आराम से, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये आपको दिखेगा देखो पीछे, ये सब अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी और डेवलप होगा ये। बाकी जो पहले का स्ट्रक्चर बना हुआ वो मैंने आपको दिखाया, यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखता है बढ़िया सा बीच का। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जाते हैं मेन बीच की तरफ, नागवा बीच की तरफ, जो कि दीव का सबसे मेन बीच है।
तो ये है नागवा बीच और एकदम पानी पास में ही है और यहाँ की जो मिट्टी है वो वाइट है, ब्लैक नहीं है। जैसे दमन की जो मिट्टी थी वो एकदम ब्लैक थी, लेकिन यहाँ की मिट्टी जो है वो वाइट है। वीकडे है, वीकेंड नहीं है, फिर भी अच्छे खासे लोग हैं आज। नाज और गरम खाओगे? बढ़िया स्पाइसी, बढ़िया नमकीन, बढ़िया बढ़िया एकदम। नागवा बीच का फेमस चना जोर गरम, दीव में चना जोर गरम बहुत बढ़िया मिलता है। कभी भी आओ, नागवा बीच का चना नहीं खाया तो दीव घूमने का कोई मतलब नहीं है। एक बार खा के देखिए बापू का चना जोर गरम, याद करोगे कहीं भी जाओ। तो ये पूरा सेफ जोन है नहाने के लिए, यहाँ पे अगर आपको नहाना है तो इधर नहा सकते हो इस एरिया में। वैसे ये जो बीच है वो काफ़ी लंबा नहीं है, शॉर्ट ही है, वहाँ से स्टार्ट किया है और ये यहाँ तक आया है और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा बीच नहीं है, लेकिन छोटा बीच है, साफ़ सुथरा बीच है और वाटर स्पोर्ट्स वगैरह अच्छे खासे होते हैं यहाँ पर। तो दीव का सबसे अच्छा बीच है ये, ज़्यादातर पब्लिक यहीं पर आती है, इसी बीच पर आती है, यहीं पर टाइम स्पेंड करते हैं लोग, खाते पीते हैं, वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट है और ये प्लेन जा रहा है। तो इस वजह से आपको ड्रोन शॉट देखने को नहीं मिलेगा इस बीच का, क्योंकि एयरपोर्ट जहाँ होता है वहाँ पर ड्रोन उड़ता ही नहीं है, नो फ्लाइंग जोन होता है। तो उसके आसपास के 4-5 किलोमीटर के एरिया में ड्रोन उड़ता ही नहीं है। ये वो पहाड़ी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है दीव, देखो आप, DIU। पहले इधर अच्छी सजावट थी, लेकिन जो तूफान आया था साइक्लोन का, उसने सब कुछ तबाह कर दिया और पूरा अस्त व्यस्त हो गया। वैसे पीछे की तरफ ज़्यादातर लोग जाते नहीं है, मछुआरे लोग ही यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं ज़्यादातर, आम पब्लिक नहीं है इतनी। ये बनाना राइट्स है और ये डिस्को है, उसके बाद में वो वहाँ पे जेट्स की दिखेगा आपको, और स्पीड बोट्स है, और जो हवा में जो पीछे बोट के पीछे बांध के करते हैं पैरासेलिंग, वो भी है। तो यहाँ पर 5-6 तरीके की राइड अवेलेबल है और उसमें से सबसे जो मेन है वो है पैरासेलिंग, और उसका चार्ज है 1000 रुपये। तो आप देख रहे हो वहाँ पे दिखेगा आपको पीछे, उस तरह से आपको पीछे पैराशूट में बांधा जाता है और बोट आपको खींचती है, उसका 1000 रुपया है। उसके बाद में ये स्पीड बोट है, इसका 200 रुपया है, और ये जो जेट्स की दिख रही है आपको, जो स्कूटर होते हैं, उसका 300 रुपया है। ये सारे राइडिंग के आपको देखेंगे बूथ बने हुए हैं इस तरह के, ये एक है, एक वहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इनसे मिलोगे तो आपको सारा रेट वगैरह बता देंगे, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, पर हाथों हाथ राइड बुक करके आप यहाँ पर राइड का मज़ा ले सकते हो। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और थोड़ी देर में सनसेट होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट है इसी बीच पर आगे की तरफ, तो वहाँ पर चलते हैं और वहाँ से सनसेट देखते हैं। देखो सामने सन दिख रहा है और इसीलिए हम जा रहे हैं इस तरफ सनसेट देखने के लिए। ये नागवा बीच यहाँ पर है, यहाँ से हम इस तरफ इस छोर पे आए हैं और ये पूरा रोड है, देखो आप, लंबा सा रोड आगे जाता है, लेकिन हमने यही गाड़ी रख दी है क्योंकि ये देखो सामने है सन और यहाँ पे सनसेट होगा लगभग उस बीच से, जो मेन बीच जहाँ पर हम थे वहाँ से 1 किलोमीटर है ये। ये दिखने में ऐसा लगता है मिट्टी है, लेकिन ये पत्थर है, खार वाले जो नमक के पत्थर होते हैं ना, वो है सब। और किनारे पर आ गए हम लोग और सामने देखो वहाँ पर सनसेट हो रहा है, क्या नज़ारा है आप देखो, इतना बढ़िया नज़ारा तो मुझे बीच पर भी नहीं देखने को मिला। तो आज
आज हमने दीव की जो तीन चार मेन जगह है वो देखी है, और उसके अलावा बाकी की दो तीन जगह और बची है वो हम कल देखेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, और अभी सनसेट हो रहा है तो आप सनसेट का मज़ा लो, और अगले पार्ट में आपसे जल्दी मिलेंगे।